फाइनली हमारी जो है स्पैगेटी बॉयल हो चुकी है, चिकन भी रेडी है, वेजिटेबल भी। तो चलते हैं प्रोसेस की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, और आप देख रहे हैं जिस ब्लॉग। तो भाई कहते हैं आप तक, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम जाएंगे, वो आज हम कहीं नहीं आने वाले भाई, आज हम खुद बनाएंगे और खुद खाएंगे। गर्मी बहुत है, बाहर जाने का बिल्कुल मूड नहीं है। और बनाएंगे तो क्या, देखते हैं क्या बनाएंगे, आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं वीडियो में, चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं चिकन चाउमीन, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। ओ भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें डालेंगे, पहले बताओ थोड़ी के डालूंगा साबुत, मैं ऐसे ही डाल दूं। इसको हम डालेंगे बॉईल करने के लिए रखेंगे। देन लेंगे चिकन, चिकन का जो है छोटे छोटे स्लाइस कर लेंगे। भाई फाइनली हमारी चिकन हो चुकी है स्लाइस। इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, ये अपने हिसाब से भी कर सकते हैं हमेशा। और थोड़ा सा ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, काली मिर्च पिसी हुई, थोड़ा सा सॉल्ट जितना आप लेना चाहें, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, चॉप भी कर सकते हैं आप, लेकिन पेस्ट है तो मैं पेस्ट यूज़ कर लिया। और एग हम लेंगे 1 अदद अंडा, और अंडा पूरा ऐड नहीं, इसमें नहीं जाएगा, अंडे की जो है ना जर्दी निकाल लेंगे, सिर्फ सफ़ेदी जाएगी इसमें। ये इसमें ऐड करेंगे अंडे की सिर्फ और सिर्फ सफ़ेदी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सारी चीज़ें हल हो जाए आपस में ला के। फाइनली हो चुका है मिक्स, इसको हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो यार चिकन हमारी हो रही है फ्राई, और हमारी स्पैगेटी जो है वो बॉयल हो रहा है। जब तक चलते हैं वेजिटेबल की तरफ। सब्जी हमारी क्या क्या जाएंगी, सब्जी में हमारा जाएगा शिमला मिर्च, गाजर और हरी प्याज, बस ये 3 चीज़ ऐड होंगी। आप जब तक इसको फ्राई करें, तो पहले लेंगे हम शिमला मिर्च और इसको स्लाइस कर लेंगे। उसके बाद हमारी जाएगी गाजर, तो गाजर को जो है थोड़ा लंबा स्लाइस करेंगे, खूबसूरत लगती है इस तरह करके ना, लंबी लंबी। उसके बाद लेंगे ग्रीन ऑनियन, हरी प्याज उस तरह कट करके। वो फाइनली ले ली हमारी चिकन हो गई फ्राई, हमने निकाल ली फ्राई करके, और पैकेट भी हमारी तकरीबन बॉयल हो चुकी है। फाइनली हमारी जो है पैकेट भी बॉयल हो चुकी है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक राज की बात जो कोई नहीं बताता। आप चाहे स्पैगेटी बनाएं या मैक्रोनी बनाएं, इसको जो है बॉयल करने के बाद आपने इसमें ठंडा पानी ऐड कर लेना है, जिसकी वजह से क्या होगा चिपकेगी नहीं। देखा होगा मेहनत करते हैं, इतना टाइम लगाते हैं, लेकिन वैसे बन नहीं पाती जैसे हम चाह रहे होते हैं। तो उसकी बेसिकली वजह जो है ना वो यही होती है कि हम उसको बॉयल कर लेते हैं और फिर डायरेक्ट बना लेते हैं, फिर उससे जो है ना वो खिचड़ी टाइप की बन जाती है। फाइनली हमारी जो है स्पैगेटी बॉयल हो चुकी है, चिकन भी रेडी है, वेजिटेबल भी। तो चलते हैं प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन ऐड करेंगे ऑयल में, थोड़ा सा फ्राई कर लो। उसके बाद ऐड करेंगे ये हमारी शिमला मिर्च और प्याज जो हमने चॉप करके रखी हुई थी। देन जा रही बाकी की शिमला मिर्च और प्याज, और फिर ऐड करेंगे इसमें हम हमारी गाजर, अच्छे से इसको कर लेंगे मिक्स, फ्राई करेंगे इसको थोड़ा, देख सकते हैं नरम ना हो जाए ना, अभी बहुत हार्ड है, अच्छी है ना बहुत ज़्यादा। अच्छा मतलब हल्की हल्की, हाँ हाफ फ्राई कर लो। सही बात।
उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम चिकन जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी, अच्छे से करेंगे मिक्स। अच्छा, स्पाइसेस में जो हमारे पास है ये फजीदा फ्लावर है और ये चेरी सॉल्ट है, ब्लैक पेपर है, काली मिर्च और ये सॉल्ट है, ये ऐड करेंगे। चलो भाई, ये सब हमने ऐड कर लिया। इसमें जाएगा चिली सॉस, देन सोया सॉस, इसमें अब जाएगी हमारी स्पैगेटी जो हमने बॉइल कर रखी हुई थी, इसको ऐड करेंगे अच्छे से मिक्स। जल्दी 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 इसमें डालेंगे भाई केचप, हमें अच्छा लगता है तो हम डाल रहे हैं, आप डालना जरूर डाल लीजिएगा। देख सकते हैं भाई आप फाइनल लुक, चाउमीन हमारा हो चुका है बनकर रेडी, और टेस्ट करके बताएंगे कैसा बना, कैसा हो नहीं अच्छा, हम भी टेस्ट करते हैं भाई कैसा बना है, और जबरदस्त यार, आउट क्लास है माशाल्लाह, बेहतरीन बने। इसको खिला दो ही। तो अबीरा मैडम जो है हमारी पास करेंगी, अबीरा खा के बताओ कैसा है, खाओ खाएं खाएं ना, तो भाई अब खाएंगे हम अपना चाउमीन जो हमने बनाया है। कैसे लगा आपको हमारा चाउमीन कमेंट करके लाजमी बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली आपको हर वीडियो हमारी पहुंचती रहे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसा बना। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, देखते रहें अजीत अहमद ब्लॉग।